Ar-Rahman <laughs> अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माय चैनल आप सब कैसे हैं आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे हम भी अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक हैं आज की वीडियो ना आप लोगों ने स्किप नहीं करनी बहुत ही मैं कहती हूँ कि एक मोटिवेशनल वीडियो होगी जिसकी वजह से आप लोगों का यकीन और अल्लाह ताला की ज़ात पे बढ़ जाएगा मैं अपनी लाइफ का एक ऐसा इंसिडेंट आपके साथ आज शेयर करूंगी ना जिसका मैंने आप लोगों के साथ जिक्र किया था तो वीडियो को आप लोगों ने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना जान है।, की आगे भी। मेरी भी जान है और किसकी जान है आपके भाई को मारता है वो तो दुआ करे ना वो ठीक हो जाए लड़ाई नहीं करें अल्लाह तेरे भाई को ठीक कर दे है कभी नहीं मारता बस कभी नहीं मरता नहीं कभी-कभी बस, बस बस लोटा है रोता है वो इसको माने के लिए जाता है आप लोग ना अक्सर मेरे से पूछते हैं कि मैं इतनी ज्यादा मेरा अल्लाह पे यकीन आ, इतना ज्यादा है मैं इतनी ज्यादा मजबूत क्यों हूं आ, उसके पीछे क्या कोई वजह है तो हाँ उसके पीछे कुछ ऐसी वजह है चलते हैं चार साल पीछे बल्कि अगर मैं बताऊँ ना तो मेरा मेरी आँख उस फैमिली में खुली जो एक मज़हबी घराना था और आ, मैंने हमेशा से अपनी माँ को नमाज पढ़ते देखा मैंने जब से होश संभाल है ना कभी भी मैंने अपनी माँ को नमाज कज़ा करते नहीं देखा हम लोग तो इतने गुनागार हैं कभी दो पढ़ ली चार पढ़ ली पाँच पढ़ ली बस इस तरह से इवन किसी शादी में भी जाना होता था ना तो मेरी मामा नमाज़ नहीं छोड़ती थी और जब कहीं रेस्टोरेंट में कहीं जाते थे शादी कहीं होती थी तो वहाँ पर भी मामा जा कर नमाज रूम में नमाज़ पढ़ा करती थी तो मैं भी बड़ी दुआएँ मांगती थी कि मैं कभी काश कभी जो है ना मैं भी अम्मी जैसी हो जाऊँ लेकिन शायद अभी तक भी मेरे में वो इसकामत नहीं आई जो मैं मेरा दिल करता है कि जो मेरे में आए चलते हैं चार साल पहले जब मुझे जो है ना ये पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और नवीद ना जब से बीमार हुए कभी, कभी कभी कहा करते थे कि मेरा बहुत दिल करता है हमारी एक और बेटी भी हो तो मैं उन्हें हमेशा यही कहती थी अभी हमारे ऊपर बहुत ज़िम्मेदारियां हैं जब आप ठीक होंगे ट्रांसप्लांट होगा उसके बाद जो है ना अल्लाह ताला से विश करेंगे कि हमारी एक और बेटी हो नताशा की एक और बहन हो मैं पर्सनली भी ये चाहती थी कि नताशा की एक बहन होनी चाहिए क्योंकि बहनें अपने भाइयों से वो हर चीज़ नहीं शेयर कर पाती जो बहनों का आपस में एक रिलेशन होता है और ख़ैर अल्लाह का करना ये हुआ कि मैं जो है ना वो प्रेगनेंट होगी कोई भी ऐसी मुझे कोई मैं कहूँ ना कि मैं मेंटली तौर तो पे प्रिपेयर थी तो ऐसा कुछ भी नहीं था नवीद तो ना हम फ्रांस में थे निवीद तो जा रहे थे इटली तो नवीद को मैंने कहा कि मैं ना इटली में काम कर कर के शॉप पे बैठ बैठ के बहुत वेट मैंने गेन कर लिया था तो नवीद को मैंने कहा कि मैं बेसिक फिट जो है ना वो ज्वाइन करना चाहती हूँ मैं एक्सरसाइज करके अपने वेट को दोबारा से मैंटेन करना चाहती हूँ मुझे ना अपना आप भी बड़ा अजीब लगता था और आप लोगों ने यकीन करना कि मेरा 83 से 84 केजी वेट हो गया था इवन जब मैं पाकिस्तान से आई थी तो मैं जस्ट 61 या 62 मेरा वेट था एक आइडियल वेट था मेरा ना मैं बहुत स्लिम थी ना मैं बहुत हेल्दी थी और मुझे ना बंदा अच्छा भी ऐसा लगता है कि जो ना बहुत स्लिम हो ना बहुत हेल्दी हो लेकिन जब इटली आई आते साथ नवीद बीमार हो गए उसके बाद शॉप पे लगातार बैठ बैठ के काम करना खाने पीने की रूटीन डिस्टर्ब थी रात को शॉप बंद करके घर जा के खाना खाते सास हो जाना तो इन सब चीज़ों से मेरा वेट बहुत बढ़ गया और मैं तो वेट घटाने के चक्करों में थी नवीद ने मेरा एडमिशन करवाया बेसिक फिट में और मैंने जो है ना वहाँ पे जाना स्टार्ट कर दिया दस पंद्रह दिन जो है ना मैंने अच्छी खासी ट्रेडमिल पे मैंने रनिंग भी की बहुत ज़्यादा और डाइटिंग वाला मैंने फूड भी खाया और फिर क्या हुआ मुझे ना फीवर होने लग गया मुझे लगा कि शायद ये जो मैं इतनी एक्सरसाइज कर रही हूँ ना एक मुझे जुनून चढ़ा हुआ है दोबारा से स्लिम होने का इस वजह से मेरी बॉडी जो है ना वो ऐसे मुझे रिएक्ट कर रही है कि मुझे फ़ीवर हो गया है दो तीन दफ़ा हिम्मत करके ना फीवर एक दो दिन उतरा मैंने हिम्मत करके दोबारा बेसी फिट गई लेकिन मेरे से भागा ही नहीं गया बहुत कोशिश की तो मैंने सोचा कि ट्रेडमिल को छोड़ के ना जो दूसरी एक्सरसाइज है साइकिलिंग है ये वो मैं वो कर लेती हूँ तो वो करके मैं घर आ गई उसके बाद फिर फीवर तीन चार दिन बीच जो थे ना वो इटली गए हुए थे और मैं यहाँ पे बच्चों के साथ अकेली फ़्रांस में थी फिर क्या हुआ फिर डेज़ ऊपर हो गए और मेरी तबीयत मुझे बताने लगी कि कुछ ना कुछ है और वही वार्मटिंग वगैरह सिलसिला स्टार्ट हो गया चेक करवाया तो पता चला कि मैं प्रेग्नेंट थी और रनवीत को मैंने बताया वो तो बहुत खुश हुए उसके बाद क्या हुआ प्रॉपर जो एक डॉक्टरी चेकअप है वो होता रहा वन मंथ टू मंथ थ्री मंथ का और जब थ्री मंथ के बाद जो है ना मैं डॉक्टर के पास गई उसने मुझे एक ऐसी शॉकिंग न्यूज़ बताई जिसने तो मेरे रोंगटे तक खड़े कर दिए डॉक्टर के पास मैं गई उसने मुझे कहा कि तुम्हारा बेबी जो है ना वो डाउन सिंड्रोम बेबी है एक नॉर्मल बेबी नहीं है आप अगर जिनको नहीं पता वो गूगल करके चेक कर सकते हैं कि वो कौन से बच्चे होते हैं थोड़ा सा मैं बता दूं डाउन सिंड्रोम बच्चे पूरी दुनिया में हैं और वो एबनॉर्मल बच्चों की एक किस्म है आ, मैं तो स्पेशल बच्चे ने कहूँगी अल्लाह माफ़ करे वो बच्चे ना तो अच्छी तरह बोल पाते हैं और उनमें काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो उनके हाथ पाँव की साइज़ थोड़ा छोटा होता है पूरी कंट्री पूरी दुनिया में जितने भी वो बच्चे हैं ना डाउन सिंड्रोम उनकी शक्लें एक जैसी होती हैं और वो बच्चे मैंने बचपन से एक दो बच्चा देखा भी हुआ था इवन मेरी फैमिली में भी एक जो है ना वो बच्चा है और आ, मुझे पता था कि बच्चे मोहल्ले के बच्चे उससे कैसे रिएक्ट करते हैं ऐसे बच्चों का लाइफ कैसा होता है तो बहुत मुश्किल था जैसे ही मैंने यह ख़बर सुनी मेरे तो कहूँ कि पता नहीं ज़मीन फट गई कि आसमान मेरे सर पे गिर गया मुझे तो यकीन ही आ रहा था मैंने डॉक्टर के सामने ही इतना ज़्यादा मैं रोई इतना ज़्यादा कि उसने उठ के मुझे चुप करवाया उसने कहा कि तुम परेशान नहीं हो फिर मैंने उसे शेयर किया पाकिस्तान में ये सब कुछ होता है बच्चों के साथ ये वो उसने कहा नहीं ये यूरोप है यहाँ ऐसा कुछ नहीं है हाँ वो बच्चे स्टडी में पीछे रह जाती हैं स्टडी नहीं कर पाते ये सब चीज़ें लेकिन ट्रीटमेंट के साथ ये वो तो बच्चे कुछ ना कुछ लाइफ अच्छी गुजार लेते हैं मेरे लिए सबसे ज़्यादा शॉकिंग क्या था कि मेरे हस्बैंड जो ऑलरेडी डायलिसिस पे हैं मैं तो मेरे तो आंसू ही नहीं रुक रहे थे कि मैं तो ऑलरेडी इतनी सख्त मेंटली अजियत में थी और ऊपर से ये मैं क्या सुन रही हूँ बस ना मैं इस चीज़ को मेंटली तौर पे एक्सेप्ट करने एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही थी उसके बाद जब हॉस्पिटल से बाहर आए ना मैं इतना रोई डॉक्टर ने कहा कि फ्यू डेज़ हैं आपके पास आप सोच सकते हैं आप अबॉर्शन भी करवा सकते हैं अपने हस्बैंड से बात कर लें नवीद मेरे साथ ही थे जब हम लोग बाहर आए ना तो मैं नवीद ने भी रोना स्टार्ट कर दिया लेकिन फिर नवीद ने कहा नहीं देखो मैं तुम्हारे साथ हूँ ना मैं तुम्हारे साथ मिलकर उस बच्चे की परवरिश करूँगा मुझे आज भी वो सब चीज़ें याद आती हैं ना तो मेरी रूह कांप जाती है मेरे से ना ये बर्दाश्त ही नहीं हो पा रहा था कि मैंने क्या न्यूज़ सुनी है अल्लाह माफ़ करिए बाशन का तो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मैं ये ऐसा स्टेप कोई लूँ तो घर आ के बिना बस रोना 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 ना खाना पीना तो मैंने छोड़ ही दिया दो तीन दिन मेरे बस रोते रोते ही गुजरे और नवीद जो है ना वो मेरी सिचुएशन समझ सकते थे मेरी ना फिर कांटेक्ट मेरी एक बाजी जान से हुआ मैंने उनको कॉल की और मैंने उनको ना बताया सारा उन्होंने मुझे कहा कि अल्लाह की ज़ात पे यकीन है ना मैंने कहा हाँ उसकी जात पे यकीन है लेकिन तब मुझे था कि वो शायद गुनाकारों की कम सुनता है नेकों की ज़्यादा सुनता है उन्होंने मुझे कहा कि अल्लाह ताला जो है ना बहुत मेहरबान है एक उन्होंने मुझे वजीफ़ा बताया उन्होंने कहा कि तुमने ये सुर फातिहा जो है ये पढ़नी है फ़ोटी वन सुबह फ़जर की नमाज़ पढ़ के किसी से कोई बात नहीं करनी और तुमने जो है ना ये पढ़नी है फ़ोटी वन डेज़ बिसमिल्लामानीम और उसको साथ ही मिलाना है मिलमदिल्ला रबीआलमीन तो ये पूरी आपने पढ़नी है आपने फोर्टी वन टाइम्स पढ़नी है और उसके बाद पानी पे फूक मार के आपने ये पीना है पानी उन दिनों हालांकि वामटिंग कर कर के मेरी बहुत तबीयत खराब होती रहती थी लेकिन बस मैंने जो है ना मुझे लगे कि शायद मुझे किसी ने ना ये कोई जादुई नुस्खा बता दिया और मैंने ये करना ही करना है मैंने ना बस इसको ना करना स्टार्ट कर दिया एवरी टाइम मैंने अल्लाह ताला से कहा या ला अगर तू इसी में राजी है लेकिन तो फिर भी बदल दे कहती है ना अल्लाह की हर बात पे रजामंद रहना चाहिए लेकिन पता नहीं मैं क्या पागलों की तरह उसे बातें करने लगी मैंने कहा याला नहीं मैं मेरे कंधे ये बहुत सारी ज़िंदगी का नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे मेरे में और हिम्मत नहीं है मैं हस्बैंड की बीमारी को लेके पहले ही बहुत परेशान हूँ तो याला तू मेरे पे ये ना डाल मैंने ना बस सुबह शाम रोते रोते यही दुआएं करनी उसके बाद मेरे दूसरे टेस्ट हुए उनमें भी यही आया उसके बाद ना मुझे एक दूसरे हॉस्पिटल में जाना था और जब मैं डॉक्टर के पास गई तो उसने मुझे कहा कि आपका बेबी डाउन सिंड्रोम है ओके आप वेट करें हम चेक करते हैं ये वो पता नहीं ये बातें थीं कि पता नहीं क्या पहाड़ मेरे ऊपर टूटते थे ना मेरे से कुछ सुना भी नहीं जा रहा था और वो वजीफ़ा करके ना पानी पे भूख मार के सारा दिन वो पानी जो है ना वो पीना होता था तो मैंने तो वो पानी बस पीती रही और अल्लाह ताला से इतनी दुआएँ मैं कहती हूँ शायद मैंने कभी ज़िंदगी में इतना कुछ नहीं मांगा होगा जो मैं सुबह शाम एक लो लगा ली मैंने उससे कि नहीं बस अल्लाह तो अपना ये फैसला चेंज कर दे मेरे हक़ हाँ में बेहतर कर दे और मेरा आने वाला बेबी नॉर्मल हेल्दी बेबी मुझे चाहिए मैं जब बीएड कर रही थी ना तब हमारे कॉलेज में एक डोन्स एंड की टीम आई थी वहाँ पे एक आदमी था जो उनका मैनेजर था उसने कहा कि मैंने ऐसे बच्चों का स्कूल खोला और उसके बाद मैंने अल्लाह ताला से खुद रो रो के दुआ मांगी मुझे भी एक ऐसा बच्चा दे दे ताकि मैं बाकी बच्चों की परवरिश भी अच्छे से कर पाऊँ तो मैं तो बस सोचा करती थी पता नहीं कितना बड़ा जिगरा इस बंदे का है ना और फिर वो सब कुछ जब मेरे सामने हो रहा था तो बस बर्दाश्त से बाहर था बस मैंने तो सुबह शाम यही दवाई मांगी उसके बाद डॉक्टर ने कहा कि आपका एक फाइनल टेस्ट है जो हमने भेजना है लेबॉर्ट्री फ्यू डेज़ के बाद था मेरा आई थिंक वो टू थ्री वीक्स के बाद था तो डॉक्टर ने कहा उसकी रिपोर्ट आएगी लेकिन उसने कहा नाइन्टी फाइव परसेंट आपका डन हो चुका है उसने कहा कोई लाखों में कोई एक दा चांस ऐसा होता है कि जिसमें जो अल्ट्रासाउंड वो जो रिपोर्ट है वो चेंज हो जाए खैर मेरा वो ब्लड टेस्ट जो है ना वो किसी बड़ी लिबॉटरी में जाना था वो हो गया मैंने तकरीबन थ्री वीक्स के बाद जो है ना वो टेस्ट दिया भेज दिया उसके बाद पता नहीं मुझे लग रहा था कि पता नहीं सब कुछ बदल जाएगा और जिस दिन जाना था दोबारा से डॉक्टर के पास उस दिन ना मेरा वजीफा भी मैंने पढ़ लिया था डॉक्टर के पास मेरा उस टाइम तकरीबन मेरा फाइव मंथ जो है ना वो स्टार्ट होने वाला था नवीद और मैं डॉक्टर के पास गए वही लेडी डॉक्टर जो है ना मुझे आज भी ऐसे आंखों में याद है एक एक मैं कहती हूँ लम्हा मैं भूल नहीं सकती गई तो वो अपनी चेयर से उठ के खड़ी हो गई और उसने मुझे लिटरेली गले से लगाया उसने कहा तुम्हारी रिपोर्ट चेंज हो गई उसने कहा कि तुम्हारा बेबी नॉर्मल है और मेरे लिए यकीन मैं बस बता नहीं सकती मैंने ना मुझे इतनी अच्छी फ्रेंच तो आती नहीं थी मैंने डॉक्टर को इंग्लिश में सब बताया कि उस मैंने कहा मुझे नहीं पता तुम मुसलमान हो नहीं हो लेकिन मैं तुम्हें बताऊँ मैंने कुछ ऐसे वजीफ़ा पढ़ा है तो ये सब उसी की वजह से हुआ है वो मुसलमान नहीं थी उसने कहा मैं मुसलमान तो नहीं हूँ लेकिन तुम्हारी बातें सुन के ना मुझे भी रोना आ रहा है उसके बाद हमारे घर बहुत प्यारी सी मेरी गुड़िया हुई हो रहे हैं जो आपके सामने है अलहमदिल्ला ये बेटी बहुत इंटेलिजेंट है मैं कहती हूँ कि जितनी रौनक अल्लाह ताला ने इस बेटी की सूरत में मुझे दी है ना मेरे घर में जो उस टाइम के हालात थे ना जितने स्ट्रेस वाले हालात थे हमारे यहाँ पेपर्स का मसला बना हुआ था नवीद इतने बीमार थे उस टाइम पे क्या क्या तकलीफ़ें थी मैं बता नहीं सकती जब हुन हुई तो मुझे लगा कि बस अल्लाह ताला ने मेरे पे बहुत बड़ी ब्लेसिंग कर दी है उसके बाद से ले कर ना आज तक अल्लाह ताला की ज़ात पे मेरा यकीन बहुत बढ़ गया मैं एक ही बात सोचा करती थी कि मेरे जैसा गुनाहगार बंदा जब अल्लाह ताला से मांगता है और अल्लाह ताला उसे नवाजता है तो फिर तो जो निक लोग हैं उनके तो मांगने और मिलने की क्या ही बातें होंगी तो यही वजह है कि मेरा अल्लाह ताला की ज़ात पे अब इतना यकीन है ना हाँ मैं बहुत कमज़ोर इंसान हूँ बड़ी जल्दी घबरा भी जाती हूँ और परेशान भी हो जाती हूँ लेकिन मेरा दिल गवाही देता है कि अल्लाह ताला कभी भी कुछ भी ग़लत मेरे साथ नहीं होगा मुझे इतना पता है उसके बाद मुझे लगता था कि मैं जो गहरी खाई में गिरी हुई थी ना कोई राह नज़र नहीं आता था मुश्किलों में इजाफा होता नज़र आता था वो सब एकदम से ऐसे सकून में बदल के रह गया मेरा यकीन कामिल था कि उसके एक कन कहने से जब कुछ भी बदल सकता है ना तो उसके लिए तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है और आपके सामने है अल्लाह ताला की ज़ात ने बदला मेरे लिए और अल्लाह ताला की ज़ात ने बहुत बड़ी एक ब्लेसिंग मुझे दी बेटी की सूरत में ये बात ये वाक्य आज तक मेरी फैमिली को भी नहीं पता था सॉए मेरे पेरेंट्स के आज आप लोगों के साथ शेयर करने का सिर्फ एक मकसद था कि आप में से कोई अपनी ज़िंदगी में न जाने कहाँ किन किन मुश्किलात में है परेशानियों में है मायूसियों में है तो कभी भी मायूस मत हों अल्लाह ताला की ज़ात ना इंसान को तनहा नहीं छोड़ती और वो तो खुद कहता है कि मेरे से मांगो मैं अता करूँगा तुम एक कदम चल के आओ मैं दस कदम चल के आऊँगा सो so, अपनी हर चीज़ उस जात पा के हवाले कर दें और फिर देखिएगा कि वो कैसे रस्ते आप लोगों के लिए निकालता है और उसे बहुत पसंद है अपने बंदों का गिड़गड़ा के उससे मांगना उसे बहुत पसंद है मेरे लिए भी आप लोगों ने दुआ करनी है कि अल्लाह ताला मुझे नमाज़ों पे इस्तकामत दे दे मुझे तहज्जुद की नमाज पे इस्तकाम मिल जाए आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है मैं बहुत ही ज़्यादा गुनाहगार हूँ कोई भी मैं कहती हूँ कि बड़े नेक अमल पास नहीं है लेकिन दिल बहुत करता है कि उसकी ज़ात पाक के ना बहुत क्लोज हो जाऊँ मैं तो हैरान होती हूँ कि एक हम लोग मैं इतना गुनागार बंदा इतनी उसकी नाफ़रमानियाँ करने वाला इंसान फिर भी उससे मांगा उसने मुझे कैसे अता किया मेरी जोली ख़ुशियों से भर दी तो वो तो वाकई वो रब जो है ना वो सत्तर माओं से बढ़ के प्यार करने वाला है और उसकी ज़ात पे यकीन कभी भी कम नहीं होना चाहिए कभी भी जैसे भी हालात हो जाए ना ज़िंदगी जितनी भी मुश्किलात में ले डूबे ना उसकी ज़ात पे भरोसा कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए उसके बाद फिर मेरी ज़िंदगी में एक और वाक़ा ऐसा हुआ था जिसने जो नाकबिल यकीन था और वो मेरी लाइफ में हुआ तो अगर आप लोगों ने कहा तो मैं आप लोगों के साथ वो भी ज़रूर शेयर करूँगी और अगर आप लोग जो मुझे सुन रहे हैं अगर आप लोगों के साथ भी कुछ ऐसा वाक़ हुआ हो जो बहुत अनबिलीवेबल हो तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अपने दिल की बातें से शेयर करने से ना ईमान और बढ़ जाता है उसकी ज़ात पे हम मोमिन लोगों की यही तो एक उम्मीद है जो हमें आ, कभी भी उम्मीद का दिया हमारे अंदर बुझता नहीं कि वो रब की ज़ात है ना जब दुनिया छोड़ जाए दुनिया के सारे आसरे सहारे आपको छोड़ जाएं कुछ भी हो जाए हालात कहाँ से कहाँ ले जाएं लेकिन उस रब की ज़ात पे यकीन कभी नहीं टूटना चाहिए देखिएगा फिर आपकी लाइफ में कैसे मोजे होते हैं आपकी लाइफ कैसे चेंज होती है ये था मेरी ज़िंदगी का मेरे दिल का बहुत करीब एक वाक़ा जो मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर किया और जो रेसिपीज़ आज आप लोगों के साथ मैंने शेयर की हैं मैं उनको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी ट्राई ज़रूर कीजिएगा और बस यहाँ पे मैं चाहूँगी जहाज़त वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा हाफिज़ टेक केयर फ़ी अमान ला